किसान साथियों, जैसे कि आपकी धान की फसल गभोट में है और बालियां निकलने में दिक्कत हो रही है, या तो फिर रुक रुक के निकल रही है। जैसे कि आपकी पड़ोसी का खेत का जो है धान की बालियां पूरी तरह से निकल गई है और आपकी धान की बालियां जो गभोट में है और रुक रुक के निकल रही है या तो फिर निकलने में देरी कर रही है, तो इसका 2-3 कारण हो सकता है। तो इसके बारे में मैं वीडियो को अंत तक देखिए बताऊँगा। जो पहला कारण हो सकता है कि आपकी जो है खेत में पानी की कमी हो सकती है, क्योंकि इस समय पे जो है पानी की बहुत आवश्यकता होती है धान की फसल को। तो आप खेत में पानी की कमी हो सकती है, इसके लिए आप तुरंत सिंचाई का प्रबंध करें, क्योंकि आपके खेत को पानी की बहुत आवश्यकता है। दूसरा कारण हो सकता है कि आपके खेत में पानी है फिर भी आपकी धान की बालियाँ नहीं निकल रही है, तो इसके लिए आप देख लें कि आपका पत्ता पीला थोड़ी पड़ रहा है। अगर पत्ता पीला है तो उसके लिए जो है आप 5 किलो नाइट्रोजन के साथ, यानी कि 5 किलो यूरिया के साथ 1 किलो चूना डाल के छिड़काव कर दें अपने खेत में, फिर आपके दूसरे तीसरे दिन से आपके खेत से बालियां निकलना स्टार्ट हो जाएंगी। एक तीसरा कारण हो सकता है कि आपकी जो धान की फसल है वो स्ट्रेस में है, इस कारण आपकी धान की फसल से बालियाँ नहीं निकल रही है। पानी भी है, धान में नाइट्रोजन की कमी भी नहीं है, तो इस टाइम पे जो है आपकी फसल स्ट्रेस में आ गई है। तो इसके लिए आप एक उपाय कर सकते हैं कि आपके जो खेत से पानी को आप तुरंत ही निकाल दें, पूरा खाली कर दें, उसके बाद 2 से 3 रोज बाद उसमें फिर से ताज़ा पानी का जो है सिंचाई कर दें, सिंचाई प्रबंध कर दें। इससे भी जो है आपकी धान की बालियाँ निकलना स्टार्ट हो जाएगी। अब इसकी वैज्ञानिक कारण तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। फिलहाल आप इतना काम करके जो आपके धान की बालियों को निकाल सकते हैं जल्दी से जल्दी एक समान। इससे आपको एक तो आपकी धान की बालियां भी निकल जाएंगी, दूसरा बेनिफिट ये होगा कि आपकी जो धान की बाली है वो लंबी निकलेगी, स्वस्थ निकलेगी, और इससे उत्पादन में भी आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। फिलहाल किसान साथियों, आज के वीडियो में बस इतना ही बात करूँगा। वीडियो जानकारी लायक लगी होगी तो मेरे वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल जो खेती हमारी धरोहर यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो में आपको खेती बाड़ी के संबंधित तथा विभिन्न तरह के फसलों के संबंधित जानकारी दे सकूँ। जय जवान, जय किसान।